नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। एक बार फिर स्वागत है आपका बिलाड़ा न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं बिलाड़ा विधानसभा की। कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल कटारिया ने आज पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ व पूर्व विधायक हीराराम मेघवाल की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा। कटारिया ने वहीं साथ में नगर अध्यक्ष धन्नाराम लालावत, विक्रम बिश्नोई, छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी व पूरे दलबल के साथ निर्वाचन अधिकारी बिलाड़ा के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। वही कटारिया ने कहा, जनता व आला कमान ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसका मैं मान रखूंगा और भारी मतों से सीट निकालने का उद्बोधन दिया। नामांकन के बाद सभा स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए कटारिया ने जनसमूह से तैयारियों में जुट जाने को कहा और भारी मतों से सीट निकालने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ व पूर्व हीरालाल मेघवाल ने पूर्व विधायक हीरालाल मेघवाल ने भी संबोधित किया और कहा, इस बार मोहनलाल कटारिया को विजयी बनाएं। व कांग्रेसी कार्यकर्ता चेतन धारिया ने भी सभा को संबोधित करते हुए सभी नौजवानों को कटारिया बनकर चुनाव में जुट जाने के लिए आह्वान किया। इस दौरान अविनाश कटारिया, तेजाराम चोयल, जगदीश खोकर, श्यामलाल नैन, गजानंद वैष्णव, लोकेश सीरवी, कैलाश कटारिया, जितेंद्र सीरवी, गिरधारी लाल परियार, विक्रम कटारिया, राहुल कटारिया, प्रताप राम कटारिया, पुखराज कटारिया आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। फकीर मोहम्मद कबड्डी। थैंक यू दोस्तों चैनल के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आपका प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे। लाइक और कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जनता से यह निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करके मेरे को जिताएं और जयपुर विधानसभा में मेरे को भेजाएं। सर, नामांकन किया है, वही गर्ग साहब की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो जाति सर्टिफिकेट फर्जी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? अब गर्ग साहब के वो जाति सर्टिफिकेट वो तो कोर्ट का मामला है, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर गर्ग साहब की जाति में ये ऐसी नहीं आती है तो गर्ग साहब का नामांकन खारिज होगा। सर, पिछली बार जो MLA थे राम मेघवाल सर, इस बार उनका टिकट काट गया, इसका क्या कारण? क्या समर्थन मिल रहा? समर्थन मिल गया आपको? हाँ, हीरालाल जी ने मेरे को समर्थन दे दिया है और बिलाड़ा विधानसभा की जनता ने लोकल की मांग की थी और तो अशोक जी गहलोत साहब ने भी जनता की मांग रखते हुए उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने लोकल को टिकट दिया है। हाल ही में वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची थी नामांकन के लिए गर्ग साहब के, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा आपके चुनाव के ऊपर? वसुंधरा राजे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता कांग्रेस के साथ है और अशोक जी को चौथी बार CM बनाने जा रही है।
आगे जाओ सर, वही तो जाऊं तो बताओ। ये घड़ी में हमारे युवा नेता विपक्ष प्रधान सोनिया जी सभा ने संबोधित करना, युवा साथी इतना जगह मिले जैसे बैठ जाओ, जीतू आएगो बदरी जी कटे। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, एमपी साहब जी बैठ लो, अभिषेक बैठे देख ले सबसे पहले तो आपको बाली से टिकट मिलने में बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत। अब बिहारा में आए हैं आज मोहनलाल जी कटारे के नामांकन में, तो क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण रहेगा? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहनलाल जी कटारिया के पक्ष में हम वोटों की अपील करने के लिए आए थे, और मोहनलाल जी कटारिया एक पहली बार चुनाव लड़ रहा है, साफ सुथरा आदमी है और बिलड़ा से आ रहा है। बिलड़ा हमेशा हमारे कमजोर रहता है, बिलड़ा आपके आगे आएगा। इन पिपार तो रोज भी अब बहुत अच्छा वोटों से निकलते हैं, और बहुत अच्छा वोटों से मोहनलाल जी कटारिया जीतेगा। हम लोगों ने अपील करी, लोगों ने चेहरा देखा, उन देखा में लगा हो गया मोहनलाल जी कटारिया बहुत अच्छा वोटों से जीतेगा। बात करें बाली की, तो बाली से कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बगावत करते नजर आ रहे हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीदवार एक भी बगावत नहीं करता है, या तो लोग आप लोगों ने बात है एक आधा ना कोई मान लो थोड़ा बहुत ही बोल जाता है तो आप उसको बहुत हाईलाइट कर देते हो, तो आप चिंता मत करो कांग्रेस जीत के आएगा। बाली से आज 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये मेकड़ा दल। 30 साल बिलड़ा से त्रिकोणीय मुकाबला हारे, अरे आए बेटे बिलड़ा से त्रिकोणीय मुकाबला आरएलपी से भी हनुमान बेनीवाल ने। देखो मैं बता रहा हूँ, अब आरएलपी वाली मामला पहली वाला नहीं रहा है, जो आरएलपी पहली थी पुराने टेमर में ने, वो लोगों ने समझ लिया, और बीजेपी का मामला सब कमजोर है, इसलिए यहाँ पर मोहनलाल जी अशोक गहलोत जी ने इतना अच्छा काम किया, लोग भूलेगा क्या? बहुत बड़ा काम किया अशोक गहलोत जी ने, जो अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट बिजली देने का फ्री काम किया, 2000 यूनिट किसानों को देने का काम किया, लोगों को घर बेटा को 1000 रुपया भत्ता देने का काम किया, अशोक गहलोत जी ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। आप देखिए 25 लाख रुपया जो कोई बीमार हो जाता उसके लिए देने का काम किया, एक्सीडेंट हो जाता 10 लाख रुपया देने का काम किया, तो लोग भूल नहीं सकते। महिला को मोबाइल दिया, कैसे भूलेगा? मान लो मोबाइल जैसी चीज महिला के लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो घर बैठ बैठ के कहीं सब्जी बनाई भाई खाटो बनायो कहीं बनायो एडी बताई मैं गर्दनी कर सके। वसुंधरा भी आई है प्रचार के लिए, वसुंधरा राजे भी प्रचार के लिए आई है। देखो यहाँ पर कोई आओ, यहाँ एक अशोक गहलोत है, कोई भी आओ, भले प्रधानमंत्री आओ ना, आपकी परवाह करते हो? अशोक गहलोत है जी, वो आप हमारे लिए प्रधानमंत्री है, हमारे लिए बहुत बड़ा नेता है, गरीबों का मसीहा है अशोक गहलोत, और कांग्रेस जीतेगी ये मैं कहता हूं। आदरणीय
अब आदरणीय हमारे साथ है आदरणीय परमिंदर जी, विक्रम जी, सुनील जी है, सबों की बात है। चेतन मांगना तीर मांग तो 20 साल कांग्रेस की सेवा करी, केवल साहब की छह बोली आज नामांकन रैली मोहनलाल जी के समर्थन में आप पहुंचे हैं, युवा नेता हैं, जिन्होंने पूरे अध्यक्ष संख्या करना चाहेंगे। देखो निश्चित तौर पे मोहनलाल जी कटारे की नामांकन रैली के अंदर हजारों की तादाद में आसपास गांव से सभी भाई और युवा साथी, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें सभी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, और जिससे इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष के अंदर जो योजनाएं के अंतर्गत जो सारे ग्रामीण हो चाहे शहर हो उसमें जो लाभ मिला है तो वो अभी देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस 25 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस के पक्ष में मजबूत मतदान किया जाएगा। क्या सुना जा रहा है कि सुनील चौधरी भी इस बार विधायक की नहीं, मैं मेरे
बिलाड़ा की विधानसभा सीट है, रिजूर सीट है, तो कयास लगाने तो कुछ भी कयास लगा सकते हैं। अलग सीट किसी और सीट से भी आप कयास लगाया जी, हमारे आदरणीय है, सबके आदरणीय है, हम सभी युवा के आदर्श है वो, और हम उनके कार्यकर्ता है, तो उनके भी मजबूत तरीके से जोधपुर लोकसभा के अंदर और पूरे उनके कार्यकर्ता बनकर मजबूत तरीके से काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और कयास लगाने में कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे तो यहाँ जन्म स्थान भी बिलाड़ा भावी है, तो मैं तो यहीं से जन्मा हूँ, यहीं से इनके सबके बीच में बड़ा हुआ हूँ छोटा बच्चा, और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का भी मेरे को सौभाग्य मिला जो बिलाड़ा के अंदर। मैं दूसरा छात्र संघ अध्यक्ष हूँ जोधपुर विश्वविद्यालय का, और आप सबके आशीर्वाद से ही मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बना। वसुंधरा जी भी आई थी यहाँ पर अजमलगढ़ के प्रचार में, तो क्या लगता है उससे चुनाव? वसुंधरा वो तो आप ही बता सकते हो, वसुंधरा राजे सिंधिया के जो कल का जो उनका प्रोग्राम था और जो आज का प्रोग्राम है, वो पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन और हमारे जो जो आप देख लो दोनों की सभाएं देख लो, उससे आप आंकलन लगा सकते हो कितनी किसकी भीड़ है और किसका किस तरफ झुकाव है। तो निश्चित तौर पे युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सभी ने ये ठान रखा है अब की बार वापस कांग्रेस की सरकार आनी है और मजबूत तरीके से देखो पार्टी है किसको दे। बाकी निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर जैसे अभी पहले दो दिन पहले डोटासरा साहब के वहाँ जो ये हुआ, जो पूरे भारत के अंदर एक तो बीजेपी ने जो ये कार्रवाई की है, बीजेपी ही समझो ये जो ईडी की कार्रवाई करती है, बीजेपी ही करती है, तो उससे ये आप अंदाजा लगा सकते हो राजस्थान के अंदर पूरी बीजेपी की पार्टी बौखलाई हुई है और मजबूत तरीके से कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिस वजह से वो ईडी को भेज रही है। और दूसरी अब जैसे उसके बाद के अंदर जो ईडी के भ्रष्ट जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने जो रिश्वत के मामले एसीबी ने, जो गहलोत साहब की एसीबी है जिसने उनके ऊपर कार्रवाई की है, उससे डूब के मर जाना चाहिए मोदी को कि जो आपने ईडी को आगे करके और ईडी के भ्रष्ट कर्मचारी जो यहाँ पे लोगों से पैसे और रफा दफा के मामले में उनसे पैसे हटने का काम करते हैं, तो उससे आप निश्चित तौर पे ये आकलन लगा सकते हैं कांग्रेस की सरकार मजबूत तरीके से आ रही है और गहलोत साहब की सरकार मजबूती से बन रही है। कितनी सीटें आगे इस बार करते हैं? अब सीटें तो अब आप देख लो 156 प्लस सीटें धन्यवाद। आज नामांकन दिल्ली पहुंचे हैं मोहनलाल खट्टर के यहाँ पे। बहुत ही शानदार हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो भाव था लोगों का, कार्यकर्ता बहुत ही बड़ी भीड़ में यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में यहाँ पे आए हैं मोहनलाल जी कटारिया जी को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें बहुत अत्यंत प्रसन्नता है। और साथ ही आज हमारे पाली के पूर्व सांसद महोदय बद्रीराम जी जाखड़ साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे, हीराराम जी बेगवाल साहब भी यहाँ उपस्थित थे, मेरी माता जी प्रमिला जी चौधरी यहाँ पे उपस्थित है, मोहनलाल जी है, हमारे विक्रम भाई विक्रम जी बिश्नोई यहाँ पे उपस्थित रहे, सबने अपना जनसहयोग दिया है। और जो हमारे दूसरे प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे बिलाड़ा विधानसभा से, उन्होंने भी अपना सहयोग मोहन जी को दिया है, तो निश्चित ही इस बार हमें विश्वास है कि यहाँ से बिलाड़ा से, इनफैक्ट गोपालगढ़ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग, मुख्यमंत्री जी के सहयोग में कांग्रेस की सीटें आएगी और हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय जी अशोक जी गहलोत साहब का एजेंडा फिर से लें। जी मैडम, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल प्रचार प्रसार के रूप में यहाँ पहुंची थी, देखिए यहाँ पे वो बिलाड़ा विधानसभा में आए थे और बाली विधानसभा, दोनों जगह आए थे। बाली से मेरे दादाजी बद्रीराम जी जाखड़ साहब प्रत्याशी हैं, मैंने वहाँ की भी कुछ फोटोज देखी थी, वीडियोज देखी थी, यहाँ पे भी देखा था, परंतु जो फर्क था जनसंख्या में और जोश में, वो बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें ऐसा विश्वास है कि इस बार हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, क्योंकि मैंने बाली में जो देखा, और एक आप चीज जो नोटिस करेंगे, हमारे यहाँ पे जो सारे युवा साथी हैं, बूढ़े बुजुर्गण हैं, माताएं बहनें, सभी की जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ही आए। आरएलपी को लेके मैम सब जगह देखिए, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, हम लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ यही विश्वास है कि जिस आदमी की जो विचारधारा होती है, आदमी पार्टी से विचार, पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, तो अब ये लोगों के हाथ में है कि उनको किस विचारधारा से प्रेरणा मिलती है और उन्हें किस विचारधारा से आगे बढ़ने का, इस अगर आप इस प्रदेश को देखें, इस राज्य को देखें, आगे बढ़ाने का कहाँ पे उनको समझ रहती है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। परंतु मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप हमारी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आप उसके प्रति देखें, आप देखें उन्होंने अपने को बोलना चलना सब कुछ सिखाया है, यहाँ पे जो विकास दिया है, अगर आप जोधपुर को देखेंगे, आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपको इतना इसका विवरण दे रही हूँ, जोधपुर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आईआईटी है, एम्स है,
सारी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कहीं पे भी नहीं है लेकिन जोधपुर में इसका कारण है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से है। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम लोगों ने इनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया तो जरूर वो हम लोगों पे इसी तरह से मेहरबानी करेंगे। और हमारी कांग्रेस सरकार जो है वो हर व्यक्ति का, हर वर्ग का सोचती है, अंतिम श्रेणी तक बैठे व्यक्ति का सोचती है। तो मुझे आप लोगों से विनम्र अपील है कि आप लोग अशोक जी गहलोत साहब के समर्थन में हमारे सभी विधायक प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। जी प्रमिला जी, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आज नामांकन रैली में पहुंचे हैं मोहन लाल जी की? आज मोहन लाल जी के नामांकन रैली में पहुंचे हैं, इतना जन छल्ला घूमड़ा है और जो सब में जोश था कि कांग्रेस ने जो काम कांग्रेसी कार्यशैली से लोग प्रसन्न होकर बूढ़े बुजुर्ग युवा महिलाएं सारा का देख के बड़ा गर्व महसूस होता है और मोहन लाल जी यहाँ से बड़ी काफ़ी ग्रेड लेके विजय हासिल।